आए दिन किसी न किसी वजह से उद्दंडता करते लोगों से परेशान आगरा के शाहगंज बाजार के लोगों ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर जिले के कप्तान को कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया। थाना शाहगंज के शाहगंज बाजार में आए दिन कुछ उद्दंडता करने वाले लोग शाहगंज के व्यापारियों को परेशान करते हैं। शाहगंज बाजार के लोगों का आरोप है कि ये लोग किसी विशेष धर्म के लोग हैं जो आए दिन हमारे से सामान खरीदने के बहाने आते हैं, हमसे सामान के दाम पूछते हैं और बताए गए पैसों में अपने मन के दाम लगाने की धमकी देते हैं और उनके दाम ना लगाने पर वह मारपीट पर उतर आते हैं, जिसके बाद क्षेत्र में रहने वाले गौरव रजावत जब उनसे बात करने आते हैं तो वह विशेष धर्म के लोग गौरव रजावत को टारगेट बनाकर उन पर जानलेवा हमला करते हैं। आपको बता दें कि गौरव रजावत भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं, जिससे उन्हें उन विशेष धर्म के लोगों से और जान का खतरा बना हुआ है, जिसके कारण आज बाजार के लोग आगरा जिले के कप्तान सुधीर कुमार से मिले और उनको सारा घटनाक्रम बताया, जिसके बाद कप्तान साहब ने उन्हें दोषियों पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। शाहगंज बाजार बड़ा घना व्यवसाय क्षेत्र बाजार है और यहाँ पर सभी तरह का व्यवसायी है। वहाँ पर कई समय से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे अभद्रता की जा रही है, गुंडई की जा रही है। उसको लेकर के आज हमने आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टी एन अग्रवाल के नेतृत्व में यहाँ पे SSP साहब को ज्ञापन दिया है और उसमें सामाजिक कार्यकर्ता गौरव रजावत के साथ कुछ समुदाय विशेष के लोग टारगेट करके उसके संग करते हैं, उसको टारगेट बना के चलते हैं, तो उसके लिए भी हमने गौरव रजावत की सुरक्षा की मांग भी SSP साहब से की है और SSP साहब ने आश्वासन किया है कि मैं खुद बाजार में आऊँगा, दौरा करूँगा और जो भी व्यापारियों को परेशान करेगा उसको हम चिन्हित करके उसको जेल डालेंगे। क्या आप लोग जानते हैं ये लोग कौन हैं, कहाँ से हैं? देखिए, जो असामाजिक तत्व होता है उसकी कोई जात कोई बिरादरी नहीं होती है। हमने सीधा सीधा उनको कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके जेल भेजने का काम करें। ये आगरा में शाहगंज बाजार बहुत घना बाजार है, लगभग 4-5-6 किलोमीटर दूर के ग्राहक वहाँ सामान लेने के लिए आते हैं। वहाँ पिछले 2 महीने से कुछ उद्दंडता पैदा की जा रही है। बाजार होने के कारण भाई ग्राहक सब तरह का होता है, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी उसका हो, हमारा ग्राहक ग्राहक है। लेकिन कुछ लोग वहाँ सामान ले लेते हैं, सामान लेने के बाद में इतना मोलतोल करते हैं कि 2000 रुपये का सामान लिया इसके 200 रुपये ले लो। अरे भाई 200 रुपये क्यों ले लें, क्या नहीं लेने पड़ेंगे तुम्हें? और फिर हठधर्मी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तब वहाँ के व्यापारी और वहाँ के हमारे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो विवाद होने लगता है। इधर चार पाँच बार विवाद हुआ तो एक व्यक्ति को गौरव राजावत को वो लोग टारगेट बनाने लगे और किसी तरह बोले इसको ही देखना है, इसको ही मारना है, ये करना है। तो उस संबंध में आज हम कप्तान के पास सारी समस्याएं लेके सारे व्यापारिक संगठनों के अध्यक्ष मंत्री आए हैं। सहारन में करीबन 5-7-8 व्यापारिक संगठन है, सराफे की अलग है, कपड़े की अलग है और अनेक तरह के व्यापारिक संगठन हैं, सबको लेके इसलिए आए हैं कि भाई आप इन सबकी समस्या, कप्तान साहब ने कहा है कि मैं हफ्ते में 2 बार आऊँगा, देखूँगा, पूरी सुरक्षा दी जाएगी, किसी के साथ भी कोई गलत अगर अध्याय तो उसको जेल में भेजा जाएगा, FIR दर्ज कराई जाएगी। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।